एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब, क्या हो रहा है, होली कैसी गुजरी सबकी? आई होप सबकी अच्छी गुजरी होगी, मज़े से गुजरी होगी, रंगों भरी। एंड देखा आपने कि मेरे घर में जो है वो घी ख़त्म हो गया है, असली घी ख़त्म हो गया है, और दिए जो पूजा घर में जो दिया जलता है वो, और पराठों के लिए घी जो है वो ख़त्म हो गया था। तो आज मुझे बनाना ही पड़ा, और उसके लिए मैंने रखा अनसॉल्टेड मक्खन जिससे घी बनता है। ये चीज़ मैंने यहाँ US में आके सीखी। हम कराची में तो घी मंगा लेते थे, ले लेते थे, और गाँव से कोई आता था तो मतलब कोई फ्रेंड्स होता था भाई का या इसका, तो वो घी हम ज़रूर मंगवाते थे। यहाँ आके मैंने अमूल का जो घी है वो यूज़ किया एक दो बारी, फिर पता चला कि भाई यहाँ जो जितने ज़्यादातर इंडियंस हैं वो घी जो है वो घर में बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो महंगी पड़ जाती है, और अमूल का जो घी है वो यहाँ महंगा पड़ जाता है। बार बार लेना, अगर आपका घी का यूज़ ज़्यादा है तो फिर वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और फिर आप घड़ी घड़ी बार बार जो है वो आप घी नहीं ले सकते हो, इतना महंगा पड़ जाता है वो, और महंगा महंगा ये बजटिंग और ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ अमेरिका में आके सीखी। और मुझे भी ऐसा लगता था यार इतने से पैसों में ये बस ले आए ना, मतलब क्या घर के अंदर बनाते हैं, इतनी बजटिंग करते हैं, लॉन्ड्री जो है वो हफ्ते में करते हैं। भाई फिर पता चला कि आप जब बाहर आते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है वो फ़र्क पता चलता है, आपको वैल्यू पता चलती है। जैसे मेरी इसकी होली की वीडियो के अंदर 2-3 जनों ने कमेंट किया कि भाभी वीडियो इज़ वेरी नाइस, लेकिन व्हाट इज़ दिस ऑल कि डोंट वेस्ट पानी। और भाई हम भी जो है वो होली जो है वो बड़े ज़ोरों शोर से पानी से और भीग के और ये सब मनाते थे, बच्चे भी वो वाटर गन से एंड ऑल, लेकिन इट्स नॉट, मेरा सिर्फ होली के लिए मतलब नहीं था कि पानी की वेस्टेज ना करें। यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें, मैं जब बच्चे नहाने जा रहे होते हैं तो मैं उनको नॉक कर कर के बोलती हूँ, भाई 5 मिनट हो गए, निकलो निकलो, पानी का वेस्ट नहीं करो। पीछे वॉशरूम के अंदर हो के यहाँ नल्स खुले हो, क्योंकि हमें आदत है नल्स खोल के, कराची में भी नल खोल के, हमारे तो जो रोज़ लॉन्ड्रियाँ इतनी निकलती थी धोबी घाट की तरह, इतने कपड़े वहाँ होते थे। यहाँ आके जो बाहर है सारी कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा है कि आपका जो है हम जैसे वाटर टैक्स देते थे और साल में या 6 महीने में, वैसा नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं ना भाई पंखे बंद करो, बत्ती बंद करो, बिल आ रहा है, बिल आ रहा है, और अगर आप रूम में नहीं हो तो बंद करके निकलो एंड ऑल, वैसे ही यहाँ आप जितना पानी खोलोगे उतना वो नीचे जो है वो मीटर ऑन हो जाता है। तो ये वैल्यू मुझे यहाँ आके पता चली कि भाई पानी का वेस्टेज नहीं करो, और लॉन्ड्रीज़ भी जो है वो सब यहाँ जो है वो हफ्ते हफ्ते में करते हैं। काफ़ी जगहों पे तो जैसे कनाडा वगैरह में पता है मुझे कि 7 बजे के बाद जो है आपका, और कोई दिन ऐसे होते हैं कि आपका जो है वो मीटर जो है वो स्लो हो जाता है, पैसे जो है उसके वो स्लो हो जाता है, तो इतना ज़्यादा चार्ज नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग ये कमेंट कर रहे हैं, अगर आप लोग भी यहाँ बाहर आएँ और आप लोग के भी फिर ऐसे ही विचार हो जाएंगे, और फिर आप लोग भी ऐसे ही सबको बोलेंगे कि भाई ये वेस्ट ना करो, वो ही वेस्ट ना करो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में हमें बहुत जो है वो लग्जरियस लाइफ थोड़े से पैसों में जीने मिलती है, बहुत हम बादशाह की तरह जीते हैं और किसी चीज़ का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते। यहाँ आके आप अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बजटिंग में आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों का जो है वो ख्याल करना पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग या भाई 10 साल के बाद इतनी सर्दी आई है, पहले तो ऐसी सर्दी नहीं होती थी, पहले ऐसी गर्मी नहीं होती थी, इतने नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही हिल रही हूँ, इतने नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं और कोई कि वो, तो ये जो हम पानी का वेस्टेज करते हैं, टीथ ब्रश करते करते नीचे पानी जा रहा है बंद नहीं करते, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग में हम इजाफा कर रहे हैं। लाइट्स, पंखे, ये सब चीज़ें जो हम इतनी गर्माइश जो हो जाती है खुले छोड़ देते, ये भी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करती है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट होली के पानी वेस्ट ना करें और ये प्रोपेगेंडा है और ये है वो है,
मैं उस हिसाब से नहीं बोल रही थी, मैं नॉर्मल बोल रही थी कि चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है वो बाहर आके आपको पता चल जाती है, जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है मैनू की। तो अभी तक मैं थी किचन के अंदर और अभी अचानक से आ गई हूँ बाहर। बाहर जो है वो गाड़ी में है हम। एंड आने से हेलो। हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू गाइस? और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा हसीन हो रहा है, लेकिन दानिश मुझे कहीं डेट पे नहीं लेके जा रहे, कॉफ़ी पिलाने नहीं लेके जा रहे। जैसे हम कराची में ऐसा मौसम होता था ज़रा सा भी, तो हम निकल जाते थे कॉफ़ी पीने के लिए, पकोड़े खाने के लिए, चाट खाने के लिए, या फिर सी व्यू पे लॉन्ग ड्राइव करने के लिए। लेकिन अभी कुछ ऐसा सीन नहीं है, यहाँ तो ऑन एंड ऑफ ऐसे ही मौसम रहता है। लेकिन यहाँ जो है वो मैंने सुना कराची में, पाकिस्तान में और इंडिया में भी मे बी बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी आ चुकी है, जो है वो गर्मियाँ आ चुकी है। लेकिन यहाँ जो है अभी मौसम प्लेजेंट है, तो ऑन एंड ऑफ जो है वो बारिश होती रहती है। आज पूरे दिन जो है वो बारिश का इम्कान है। और हम कहीं डेट पे नहीं जा रहे, कुछ चटपटा खाने नहीं जा रहे। मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ जो है वो ग्रॉसरी शॉपिंग भी जो है वो क्या है, बहुत सारे यहाँ स्टोर्स है ग्रॉसरी जो होलसेल होते हैं, जहाँ बल्क के अंदर चीज़ें ले सकते हो। तो हम जा रहे, कहाँ जा रहे दानिश? आज नया कहीं जा रहे हैं ना, कॉस्को। कॉस्को जा रहे हैं हम। वैसे हम सैम से करते हैं, और लेकिन यहाँ जो है वो मेंबरशिप कार्ड बनाना पड़ता है, तो हमें मेंबरशिप कार्ड मिला है और उसके थ्रू हम शॉपिंग कर सकते हैं। हम जब फर्स्ट टाइम कॉस्को गए थे तो हमने 2 घंटे लगाए शॉपिंग करने में, और हमें नहीं पता था कि वहाँ कार्ड के बगैर जो है वो आप नहीं कर सकते। 2 घंटे हमने लगाए, 2 से ज़्यादा ही लगे थे ना दानिश, 2 से ज़्यादा घंटे लगे, पूरी शॉपिंग कर ली। जब हम पेमेंट की तरफ गए तो वो पेमेंट से पहले जो है वो कार्ड मांगते हैं, मेंबरशिप कार्ड मांगते हैं, और फिर हमें पूरी ट्रॉली जो है वो वहाँ वापस रखनी पड़ी, और 2 घंटे भी वेस्ट हुए एंड वापस घर पे आना पड़े। सर में दर्द हो गया एक, और गुस्सा आया वो अलग। तो हमें लकली जो है वो यहाँ कार्ड मिल गया है, और यहाँ सब एक दूसरे को ऐसे हेल्प कर देते हैं, मिल जाता है कार्ड अपने हो तो। एंड तो अभी मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ जो है वो हर जगह का जो है वो रेट्स डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ लोग जो है ओके वी आर ऑन आर डेस्टिनेशन, यहाँ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बजटिंग के हिसाब से चलते हैं कि भाई इस स्टोर में ये चीज़ें कम मिलती, क्या रेट है उस स्टोर में, क्या रेट है। तो ये सब चीज़ें हम भी यहाँ आके सीख गए हैं, सीख रहे हैं। एंड तो आज कॉस्को पे शॉपिंग करेंगे, जो कि होलसेल हमें बल्क के अंदर चीज़ें मिल जाती है, मतलब एक एक छोटा छोटा ऐसे नहीं मिलता है, बड़ा बड़ा ही सब मिलता है, और दो दो तीन तीन चार चार पैक्स एक साथ मिलते हैं। लेकिन वो जो है वो फिर लंबा चलता है, एक महीना डेढ़ महीना आराम से जो है आपका वो गुजर जाता है, और प्राइसिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो हियर वी आर। એવું લાગે લામ શીપ और ये डेयरी सेक्शन था, जो अलग से रूम टाइप है, और बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैंने बस यहाँ से दूध लिया और भागी हूँ बाहर। मैं खा रही हूँ एक फ्रूट बार। अभी खा ले। हूँ क्या? जो कि मुझे दानिश ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट कर, तुम्हें कुछ आता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता है टेस्ट। मैंने जब टेस्ट किया मेरा यूं करके मुंह बन गया। और मुझे एक दफ़ा अंजलि राजपूत ने कहा कि दीदी आप जो है वो भैया को ऐसा ही कुछ खिला देना, और कहना बहुत अच्छा है। दानिश ने मेरे साथ प्रैंक किया, और फिर मुझे बोलते हैं उल्लू बनाया, और इतना खट्टा अजीब सा है दानिश। आपने क्या खाया? बिस्किट खाया। वेरी
अपना टेस्ट सही करने के लिए बिस्किट खा लिया। यहाँ सेल्फ चेकआउट पे लाइन लगी हुई है और ये हमने अपनी ट्रॉली भर ली है। ग्रोसरी शॉपिंग कर ली, प्राइसेस आर टू हायर, डिड नॉट एंजॉय, कितनी सारी चीज़ें जो है यहाँ नहीं मिली हमें, जैसे प्याज जो मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली एंड बहुत सारी चीज़ें ग्रॉसरी नहीं मिली। आई डिड नॉट एंजॉय हेयर एंड प्राइसेस आर टू हाई हेयर। सो बैक टू होम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। कॉफ़ी डेट पे नहीं गए तो क्या हुआ, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गए तो क्या हुआ, बाहर तो निकले, मौसम का मज़ा तो लिया और मौसम का लिहाज करते हुए घर पे आए, गर्मा गर्म पकौड़े तले और मज़े से हम सब ने खाए। जैसे हम कराची के अंदर जब भी ऐसा मौसम होता था तो पकौड़े, समोसे, जलेबी एंड क्या क्या नहीं खाते थे। So we are enjoying our pakoras. Take care and bye for now.